आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि किस तरीके से जो इम्पल्स है वो जनरेट होता है और किस तरीके से कंडक्शन हो जाता है। कंडक्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से वो पहुंच जाता है, ठीक है। इसमें ये पढ़ेंगे और बाकी हमने पीछे वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये डेंड्राइट्स, नेजल ग्रेन्यूल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे को ये हाईलाइट वाली एनसीईआरटी चाहिए तो मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो। ओके, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल। न्यूरॉन्स जो है वो कैसी सेल्स हैं? एक्साइटेबल सेल्स हैं, मतलब उनको अगर तुम थोड़ा सा भी छू लो तो वो एक्साइटेड हो जाती हैं, मतलब उत्साहित हो जाती हैं, ऐसा कह सकता हूँ। बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इनपोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब होता है एक तरीके से चार्जेबल, यानी कि पोलराइज्ड, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज अगर पाए जा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो उसको हम पोलराइज्ड बोल देते हैं। स्टेट में, डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। अब ये पूछ रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड क्यों है? ठीक है, इसका आंसर तो मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ और बाकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, थोड़ा सा धैर्य रखें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है कि काफ़ी अलग अलग तरीके के आयरन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। दीज आयरन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल। ये जो चैनल्स हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल हैं टू डिफरेंट आयन्स, अलग अलग आयन के लिए। व्हेन अ न्यूरॉन, जब एक न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, यानी कि जब एक न्यूरॉन कोई भी कंडक्ट नहीं कराता है, कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा रहा है, वी नो डैट रेस्टिंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो रेस्ट में पड़ा हुआ, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा अभी। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमेबल। अब ये क्या बोल रहा है कि जो एक्सोनल है हमारे पास, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज अ कंपेरेटिवली मोर परमेबल, ये ज्यादा परमेबल है। परमेबल का मतलब पढ़ा होगा तुमने, परमेबल इम्परमेबल। परमेबल का मतलब होता है एक तरीके से छन्नी समझ लो, कि अगर ज्यादा परमेबल होगी तो पानी बहुत जल्दी से निकल जाएगा उस जगह से, और अगर इम्परमेबल होगी तो उसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। टू पोटेशियम आयन, ये बोल रहा है कि मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, इंपॉर्टेंट बात है और इसमें क्विज भी आते रहते हैं। एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन, लेकिन इम्परमेबल हो जाती है। नियरली बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्परमेबल होगी, नियरली, ठीक है, इम्परमेबल हो जाएगी तुम्हारे सोडियम आयन के लिए। सिमिलरली, इसी की तरह, हालांकि द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कि इसमें है तो इसमें भी बता रहे हैं कि इम्परमेबल जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन पे होता है, प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, जो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। कंसिक्वेंसली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। ये बोल रहा है एक्सोप्लाज्म के अंदर, द एक्सॉन कंटेन, करता है हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे मात्रा या वहाँ पे किसी भी चीज़ की जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, ऑफ पोटेशियम। तो ये बोल रहा है कि पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है या पोटेशियम वहाँ पर उस साइड में ज़्यादा है। एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम। अब ये वाली लाइन जो है इसे थोड़ी घुमा दिया, ये बोल रहा है नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है और साथ ही साथ लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, यानी कि देखो हाई कंसनट्रेशन क्या रहने वाला है हमारे पास, पोटेशियम रहने वाला है इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि एक्सॉन के अंदर हमारे पास हाई कंसनट्रेशन होता है पोटेशियम का। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसी अंदर की, तो उसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगी और लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम होगा, लेकिन हमारे पास जो सोडियम की मतलब क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लो रहने वाली है, कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोनल कंटेन अ लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम। वही बात बोल रहा है कि अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो वो लो कंसनट्रेशन हो जाएगी बाहर पोटेशियम में, ये तो कोई लॉजिक वाली बात है ही नहीं, मतलब इसमें बताने वाली बात कुछ थी ही नहीं। ये बोल रहा है कि अगर भाई पोटेशियम अंदर ज़्यादा होगा तो बाहर कम होगा, तो ये बोल रहा है कि बाहर अगर कम है पोटेशियम तो अंदर ज़्यादा होगा, और मान लो अंदर ज़्यादा है पोटेशियम की कंसनट्रेशन तो बाहर कम होगी, तो वही बात लिखी हुई, लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, और हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी सोडियम की बाहर की तरफ, ठीक है। एंड थस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी की वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके,
दिस आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट थ्री सोडियम आउटवर्ड फॉर टू पोटेशियम। देखो हम बताएं, ये बोल रहा है कि ये जो आयनिक ग्रेडियंट है इसी की वजह से मेम्ब्रेन रेस्टिंग पर रहती है और अपना आपको मेंटेन रखती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑफ आयन, आयन को बाय द सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, यानी कि एक तरीके से पंप भी पाए जाते हैं वहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम को पकड़ पकड़ के बाहर फेंकेंगे या अंदर रखेंगे। समझ पाए मेरी बात? अभी हमने बात करी थी इम्परमेबल की और परमेबल की, ठीक है, क्लियर हो गया वहाँ पे बात कि सोडियम के लिए हमारे पास वो भाई इम्परमेबल था और पोटेशियम के लिए हमारे पास परमेबल था। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि अभी वहाँ पर जो है वो चैनल पाए जा रहे हैं, या मैं बोल सकता हूँ पंप पाए जा रहे हैं। पंप का मतलब समझ रहे हो, धक्का लगाने वाले। तो पंप जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप है जो एक्टिव होते हैं और वो आयन को पकड़ पकड़ के बाहर फेंकेंगे और जो उनको चाहिए वो अंदर ले लेंगे, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट, अब बोल भी रहा, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्री सोडियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ फॉर टू पोटेशियम, और भाई दो पोटेशियम के लिए, भाई इन्होंने मान लो तीन बाहर की तरफ निकाला तो दो पोटेशियम ले लेंगे। आई इन टू द सेल, सेल के अंदर, एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज वेल इट्स इनर सरफेस। अब ये बोल रहा है कि जो एक्सोनल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला, लेकिन बाहर वाली तरफ पर, ठीक है, आउटर सरफेस पे। ये वाली बात याद रखना हमारे को। अब इनर सरफेस की बात करेंगे तो यहां पर देख लो, इनर सरफेस बिकम अ नेगेटिव डिचार्ज एंड देयरफॉर इज अ पोलराइज्ड, और इसी की वजह से ये पोलराइज हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये देखो एन ए अंदर जा रहा है, यहाँ से एन ए अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अभी अंदर के साइड में कैसा है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन आगे वाली में देखोगे तो पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो ये वाला पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, इसकी वजह से एक पोलराइज मीडियम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ ही साथ ये जो कंडीशन तुम्हारे को देखने को मिल रही है ये वो कंडीशन है जो रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। इसमें रेस्ट पर रहेगी तुम्हारी न्यूरॉन्स, लेकिन यहाँ पे रेस्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है या कुछ ना कुछ सेंस कर लिया न्यूरॉन ने, इसलिए ये अंदर बाहर कर रहे हैं पोटेशियम को। ओके, चलो आगे देखो। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन। ये बोला है क्या तुम्हें बेचैनी है ये जानने के लिए कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है और किस तरीके से वो वर्क करती है और एक एग्जॉन से लेकर दूसरे एग्जॉन में किस तरीके से वो पहुंच जाती है, बेचैनी है या नहीं ये बताओ भाई। व्हेन अ स्टिमुलस, जब एक स्टिमुलस होता है यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को उत्साहित करते हैं, इज अप्लाई एट अ साइट, एक साइट पर ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे द मेम्ब्रेन एट द साइट आर बिकम फ्रीली परमेबल टू Na+ सोडियम के लिए वो फ्रीली परमेबल हो जाती है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर तुमने किसी के हाथ को टच किया, जैसे तुमने उसके हाथ को टच किया तो जो सोडियम होगा वो फ्रीली परमेबल हो जाएगा उस मेम्ब्रेन के लिए, यानी कि वो अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। दिस लीड टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, और बहुत तेजी से सोडियम इन्फ्लक्स कर जाएगा, फ्लोड बाय इन्फ्लक्स का मतलब अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी एट द साइड वी नो डेट। अब देखो यहां पर अभी हमारे सारे के सारे जो सोडियम के आयन थे जिससे कि किसी ने तुमको छुआ, तो सारे के सारे सोडियम आयन्स तुम्हारे एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच गए बहुत तेजी से पहुंच गए। साथ ही साथ और दूसरी बात ये बोल रहा है कि अगर हम दूसरी साइड में देखें तो वी नो डेट द आउटर सरफेस, जो बाहर की सरफेस है, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की बिकम निगेटिवली चार्ज। कैसी हो जाती है, निगेटिवली हो जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर उधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव आना लाजमी है, और अगर इधर निगेटिव हो जाएगा तो उधर पॉजिटिव जाना बहुत लाजमी हो जाएगा। ओके, चार्ज एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली, और अंदर की जो साइड होगी वो कैसी होने वाली है, बच्चे पॉजिटिवली होने वाली है, ठीक है। इसको हम लाल से कर दें। ओके, वैसे मेरे को ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइज देखो यार, अगर तुम मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज थस रिवर्स। क्या बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन की पोलरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाएगी, एंड हैंस
डीपोलराइज्ड, और वापस से वो कैसे होने वाली है, डीपोलराइज होने वाली है। अभी पोलराइज होती है, अब डीपोलराइज होगी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, उस साइड को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। वहाँ पे कोई ना कोई हरकतें हुई हैं, इसके वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाए आए होंगे वोल्टेज के तरफ, ठीक है, पोटेंशियल, हाँ वो उसी को बोलते हैं हम, विच इज इनफैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, जिसको हम भाई कहते हैं, एक नाम दे दिया है नर्व इम्पल्स तरीके से, ठीक है। एट साइट इमीडिएटली अहेड, अभी बोल रहा है कि एक साइट है जहाँ पे अहेड है द एग्जॉन, और एक एग्जॉन है, मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस के तरफ, ठीक है, कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, ये वही वाली बात आ रही है, और निगेटिव चार्ज है हमारा इनर सरफेस। एज अ रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट की बात करें ना बच्चे, अ करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू साइट बी, ये बोल रहा है कि जो करंट फ्लू होगा, क्वेश्चन आ सकता है कि करंट फ्लू होता है तो कहां से कहां होगा, बोलना तुम्हारे को इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी, कहां से, ए से बी पर तुम्हारे को करंट जो है वो फ्लू हो जाएगा, बह जाएगा अंदर की तरफ से, ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस, अगर हम बाहर सरफेस की बात करेंगे तो बाहर सरफेस पर ये वाली बात याद रखना है कि जो फ्लू होगा करंट का वो बी टू ए होगा। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टू कंप्लीट द सर्किट, क्योंकि कंप्लीट करना है सर्किट को ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है, ए टू बी गया तो बी टू ए जाना लाजमी है, ठीक है। जैसे कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा पॉजिटिव टू निगेटिव हमारे पास करंट फ्लू होता है, तो हमारे पास निगेटिव वाली जो टर्मिनल होता है वो होना ही चाहिए, नेगेटिव वाली खुंटी होना ही चाहिए बैटरी के अंदर, अगर वो नहीं है या तुम्हारे पास नेगेटिव वाला तार नहीं है तो करंट फ्लू नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर ए से बी जा रहा है इनर सरफेस में, तो बाहर की सरफेस में बी टू ए जाना ही चाहिए, तब जाकर पूरा का पूरा सर्किट जो है वो तुम्हारा कंप्लीट होगा और करंट फ्लू हो पाएगा। क्या समझे मेरी बात, थोड़ी सी फिजिक्स लगा लो। हैंस द पोलैरिटी एट द साइट रिवर्स, और जो पोलैरिटी वहां पर रिवर्स हो जाएगा, एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। अब क्या बोल रहा है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कौन सी साइड पर, बी वाली साइड पर। थस द इम्पल्स, अभी बोल रहा है कि इम्पल्स जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी, ये बोल रहा है कि इम्पल्स जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ साइट ए ए की तरफ, लेकिन अराइव्स कर गया एट साइट बी। देखो स्टार्ट ए से हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, ए पॉइंट से हुआ, और कहाँ तक पहुँचना था उसको, बी तक पहुँचा था, तो सिंपल सी बात, ए से स्टार्ट हुआ और बी तक पहुँचा दिया हमने। द सिक्वेंस इज रिपीटेड, और यही सिक्वेंस बार बार रिपीट होगा अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एग्जॉन, कि तुम्हारा जो एग्जॉन है उसकी लंबाई कितनी है, अगर ज़्यादा लंबाई होगी तो बार बार यही रिपीट होता रहेगा, यही रिपीट होता रहेगा ए टू बी और बी टू सी, और इनर में ए से बी जाएगा, आउटर में बी टू सी जाएगा, और फिर अराइव्स हो जाएगा ए से बी की तरफ, ठीक है। क्या हो जाएगा अराइव, एक्शन यानी कि इम्पल्स अराइव हो जाएगा ए पर और चला जाएगा बी पर, और ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी एग्जॉन की लेंथ कितनी लंबी है। अगर लेंथ ज़्यादा लंबी होगी तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा, और लेंथ थोड़ी सी कम है तो समझ रहे हो रुक जाएगा, ओके। एंड कंसिक्वेंसली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और साथ ही साथ तुम्हारा जो इम्पल्स है वो भी कंडक्ट होगा, यानी कि वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा जहां पर करंट नहीं पहुंचा है, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करो, जैसे कि कंडक्शन तुमने पढ़ा होगा, कंडक्शन में क्या होता है कि जो तुम्हारी लोहे की रॉड है, अगर मैंने वहां पर गर्म किया किसी भी एक पॉइंट को, लोहे की रॉड को, तो दूसरा पॉइंट अपने आप गर्म होने लगता है, तो वो क्या हो रहा है, कंडक्शन ही तो हो रहा है। तो ऐसे इसमें भी हो रहा है कि जहां पर तुम्हारे पास इम्पल्स जनरेट हो रखा है वहां पर तो ठीक है, लेकिन अब उस इम्पल्स को मेरे को आगे की तरफ बढ़ाना है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कंसिक्वेंसली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, लेकिन लगातार जो इम्पल्स होगा वो कंडक्ट करेगा आगे की तरफ, ओके। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू एन ए प्लस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, क्या बोल रहा है कि स्टिमुलस और इंड्यूस परमेबिलिटी जो है सोडियम की वो थोड़ी सी शॉर्ट है, एक्सट्रीमली का मतलब खास, शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है, बहुत कम टाइम के लिए। इट इज़ क्विकली फॉलो बाय द राइज परमेबिलिटी टू पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, राइज का मतलब होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ये बोल रहे हैं बिल्कुल एक एक सेकेंड पे, ठीक है, एक सेकेंड में ऐसा हो जाता है। पोटेशियम डिफ्यूजेस, पोटेशियम डिफ्यूज हो जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के, डिफ्यूज का मतलब पता होगा यार, बाहर निकल जाना, मतलब बह के आराम आराम से छन छन के,
ओके एंड रेजिस्टर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन. अब ये बोल रहा है कि इतना काम हो गया, अब वो रजिस्टर हो जाएगा, रेस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, सारे के सारे पोटेंशियल जो है वो सब रुक जाएंगे और वापस से वो अपनी मेम्ब्रेन साइड ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव और वापस से वो ऐसी न्यूरॉन्स बन जाएगी कि अगर तुमने उसको दोबारा से छुआ तो वापस से वो रिस्पॉन्स करने लगेगी, वापस उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. मेरी बात समझ गए? तो ये बोल रहा है टू फर्दर स्टिमुलेशन, अगर दोबारा से तुम उसको स्टिमुलेट कराओगे या उत्साहित कराओगे या उसको चढ़ाओगे, समझ लो एक तरीके से चढ़ाना बोल सकता हूँ मैं, कि तुमने जाके छू दिया किसी भी न्यूरॉन को तो वो चढ़ गई, लो भाई उसके अंदर इम्पल्स जनरेट हो गया तो वापस से वो फ्री स्टेट में आके वापस से चलने लगेगी. ओके यार लाइक मारो यार, कैसे हो यार. आगे देखो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, इम्पल्सिस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है. अब तुमने वो देखा होगा वॉकी टॉकी में ट्रांसमिटन आता है, ट्रांस रिसीवर आते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है कि हमारा जो इम्पल्स है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक जगह से दूसरे उसमें. लेकिन एक अच्छा वर्ड जो है वो ट्रांसमिशन है, ठीक है. अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, एक नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिटेड होता है एक जगह से दूसरी जगह में, फ्रॉम वन न्यूरॉन, बोल रहा ना, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू जंक्शन. भाई बीच में एक जंक्शन आ रही है, जंक्शन समझ पा रहे हो, कॉल्ड सेनेप्सिस. उस जंक्शन को अपना क्या बोलते हैं, सेनेप्सिस बोलते हैं. यानी कि एक इम्पल्स को अगर मुझे दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है तो उसके बीच में मेरे को एक सेनेप्सिस देखने को मिलेगी. अ सेनेप्सिस इज फाउंड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री सेनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सेनेप्टिक न्यूरॉन. ये बोल रहा है कि एक सेनेप्स जो बन रहा है, एक सेनेप्स जो बन रहा है वो मिलके बन रहा है प्री सेनेप्टिक न्यूरॉन से और पोस्ट सेनेप्टिक न्यूरॉन से. देखो तुमने ये वाला चैप्टर पढ़ा रखा होना चाहिए, मतलब टीचर से पढ़ुआ होना चाहिए, तो तुम्हारे को ये वाली बात पता होगी. यहाँ पे जो सेनेप्टिक नर्व है तो यहाँ पर एक हमारे पास प्री आता है, एक पोस्ट आता है, अगर दो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं तो वही बात बोल रहा है कि हमारे पास दो हैं, एक प्री पहले वाला सेनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट जो बाद में आया, तो अ पोस्ट सेनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाई अ गैप कॉल्ड सेनेप्टिक क्लेफ्ट. ये लाइन थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है, मे और मे नॉट, पटन क्या बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये बोल रहा है कि दो तुम्हारे पास न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स में एक प्री सेनेप्टिक न्यूरॉन आ रहा है, दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आ रहा है, तो उनके बीच में गैप हो भी सकती है या गैप नहीं भी हो सकती है. अगर गैप है, ठीक है, और मतलब उस गैप की वजह से दोनों अलग हो रहे हैं, उसको हम बोल देंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट. नहीं समझ पाए मेरी बात? नहीं समझ पाया लग रहा. देखो मैं बता दो, जैसे कि लाइक ये है और तुम्हारे पास एक और ये है, ठीक है, तो इसके बीच में इफ अगर गैप है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये गैप है देन तुम बोलोगे दैट इज कॉल्ड सेनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या बोलोगे उसको? सेनेप्टिक क्लेफ्ट. अगर नहीं, ये अब ये क्या बोल रहा है कि हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, अगर है तो हम सेनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देंगे और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसको उसने नाम नहीं बताया अभी हमारी एनसीईआरटी ने, लेकिन हाँ अगर तुम न्यूरॉन के ऊपर स्टडी करोगे बड़े क्लासेस में आके तब शायद तुम्हारे को बता सकते हैं, ठीक है. देर आर टू टाइप्स ऑफ सेनेप्सिस, ये बोल रहा है कि दो तरीके से सेनेप्सिस होते हैं हमारे पास, नेमली इलेक्ट्रिकल सेनेप्सिस, ओके, इलेक्ट्रिकल सेनेप्सिस को हम ब्लू में कर देते हैं, एंड अ केमिकल सेनेप्सिस. देखो दो तरीके के हमारे पास सेनेप्सिस हो गए, एक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से तुम्हें पता लगना चाहिए, और दूसरा है केमिकल, केमिकल से भी पता लगना चाहिए. एट इलेक्ट्रिकल सेनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. ये क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल सेनेप्स होंगे, कौन से होंगे बेटे? इलेक्ट्रिकल सेनेप्स. इलेक्ट्रिकल सेनेप्सिस का मतलब होता है कि वो सेनेप्स जिसके अंदर करंट बहे, ठीक है, और उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो प्री और पोस्ट वाले सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में बहुत ही करीब होंगे, यानी कि वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि अभी मैंने इतना गैप रखा है, इतना गैप ना हो कि ये इतना करीब होगा कि भाई इनको यहाँ पे बीच में क्लेफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी इसमें टीचर्स जो है वो ऐसे करके दिखा भी देते हैं कि करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ से बहुत जल्दी फ्लू हो जाएगा, ठीक है. तो अभी हम उस पर बात नहीं करने वाले, हम यही बताने वाले हैं कि जो दो सिनेप्सिस हैं वो बहुत ज़्यादा करीब होंगे, बहुत ज़्यादा चिपके हुए होंगे, ठीक है, जिससे कि इजीली तरीके से उसमें करंट फ्लो हो जाएगा. यहाँ पर लिखा भी है, देखो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द सिनेप्सिस. बोल दिया उसने कि अगर भाई करीब में कोई भी चीज़ है तो तुम उसको बहुत ही आसानी से दे सकते हो, ठीक है.
और बहुत ही जल्दी हो सकता है, जैसे कि तुमने देखा होगा बसों के अंदर जेब कड़े आती है, तो वो ऐसे तो होता है जो चोर होता है तुम्हारे पास में ही खड़ा होता है कभी एकदम चिपक के, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सनफ समझ लो कि वो तुम्हारे पैसे ऐसे निकाल लेगा कि पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो चीज़ करीब में होना चाहिए और काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे देखो, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग सिंगल एक्सॉन। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सनेप्स के द्वारा अगर हमारा इम्पल्स कंडक्शन करा रहा है तो ये बहुत ही सिमिलर है जैसे कि तुम्हारा पहले तुमने अभी पढ़ाई करी थी एक्सॉन में, जैसे कि एक्सॉन में हो रहा था कि एक करंट से दूसरे करंट में एक्सॉन, हमारे यार ये नहीं थे एक्सॉन, ठीक है, इस एक्सॉन से ऐसे करके करंट इधर आएगा, कूद के इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे ही ये बोल रहा है कि इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि उसमें एक्सॉन में हुआ था, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। आगे देखो, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। अब ये बात अगर तुम याद रख रहे हो तो इसका मतलब तुम समझ लो कि तुम्हारा माइंड कैसा है, ठीक है। देन दैट अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। ये वाली लाइन हमें याद रख लेनी चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं वो भाई इतने खास तरीके से नहीं पाए जाते। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं, रेयर केस है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, रेयर केस है कि ये होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ओके। आगे देखो, एट केमिकल सिनेप्स, अभी हमने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात की थी, अब हम बात करते हैं एट अ केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स में देख लो क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोला है इसने कि इसके अंदर भाई केमिकल आना ही चाहिए, जब हमने केमिकल का नाम पढ़ रहे हैं इसमें तो इसमें तार थोड़ी चलेगा ना ही, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमारे पास कोई ना कोई केमिकल मिलने वाला है ऐसा मैं कह सकता हूँ। और इनके बीच में जो फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है यानी कि खाली जगह होती है, लेकिन वो खाली जगह भरी हुई होती है किसी ना किसी फ्लूइड से, बात समझ पा रही हो मेरी, तो उस जगह को हम बोल रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में होती है। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये बोल रहा है क्या तुम ये बता सकते हो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट कराते यानी कि पहला वाला जो है वो ट्रांसमिट कराता है पोस्ट वाले में किस तरीके से। अरे वाह, वही तो पढ़ रहे हैं। अब देखो, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, भाई किसके किसके तरीके से करा रहा है वो, केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारे पास केमिकल होगा तो तुम ट्रांसमिट कर सकते हो उस इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के अंदर, अदरवाइज वो तुम्हारा जो इम्पल्स है या जो तुम्हारा एक्शन है वो नहीं जा पाएगा दूसरे न्यूरॉन के पास, क्योंकि तुम्हारे पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलना बंद हो जाते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इंसान सेंस नहीं कर पाता है कि मुझे कोई छू रहा है या नहीं छू रहा है, मैं किस चीज़ को छू रहा हूँ, तो वो पैरालिसिस के केस में आ जाता है। आगे देखो, आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दीज सिनेप्स। ये बोल रहा है कि सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए इम्पल्स ऑफ दीज सिनेप्स, इन सिनेप्सिस के द्वारा। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसाइकल फील्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। ये बोल रहा है कि जो टर्मिनल होता है वो कंटेन भरा हुआ होता है एक वेसाइकल फील्ड से, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। व्हेन एन इंपल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्सॉन, जब भी एक्शन पोटेंशियल अराइव आता है टू एट द एक्सॉन, एक्सॉन पर, एक्सॉन टर्मिनल पर, इट इज स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करा देता है, उत्साहित करा देता है द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसाइकल्स, सिनेप्टिक वेसाइकल्स को टूवर्ड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ, वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा, जो कि फ्यूज कर लेता है प्लाज्मा के द्वारा। अब ये महान अच्छी तरह है, इसमें कुछ धसा हुआ दिख रहा है मेरे को, तुम्हारे को पता नहीं क्या दिख रहा है, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ अजीब सा दिख रहा है स्ट्रक्चर, देख लो ये भाई, ये कुछ ऊपर से रॉड आई, ये इधर सूज गया है, तो जो ऊपर से हरी हरी दिख रही है तुम्हारे को हम एक्सॉन बोलते हैं, ये एक्सॉन का टर्मिनल हो गया, ठीक है, टर्मिनल का मतलब समझ दो एंड वाला पॉइंट, ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स, वेसाइकल का मतलब तुम समझ दो एक तरीके से कैप्सूल टाइप के बोल सकता हूँ या सर्कल टाइप के बोल सकता हूँ, इनके अंदर जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो ये गुल्ले दिखाई दे रहे हैं, हाँ यहाँ पे लिखा देखो न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को ये लेके आएंगे इस वाली मेम्ब्रेन पर आके ये खोल देंगे अपने आप को, तो यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये खाली जगह है और यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होगा, और ये दूसरा वाला न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके, ये हमारे पास रिसेप्टर्स हो गए, और इन तीनों को हम बुला तीनों को मिला के बोलते हैं सिनेप्सिस। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक को मिलाकर हम बोलते हैं सिनेप्स, ओके, क्लियर, ठीक है भाई,
सब्सक्राइब करो यार, इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये बोल रहा है कि मेम्ब्रेन और रिलीज कर देगी न्यूरोट्रांसमीटर इन टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पे भी कर रही थी ना ये देखो, ये आके यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, और जो तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो बाइंड कर जाएगा स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। देखो अभी देखे थे ना यार, क्या बार बताऊँ मैं तुम्हारे को, ये रिसेप्टर से इनसे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो पाए जाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल अलोइंग द एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन, जो जनरेट कर देगा एक और इम्पल्स दूसरे वाले न्यूरोन के अंदर, दूसरे वाले न्यूरोन का मतलब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन के अंदर, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप मे बी एदर एक्साइटेटरी और इनहेबिटरी, यानी कि जो नया पोटेंशियल स्टार्ट होगा या तो वो एक्साइटेटरी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो भी मतलब आगे को बढ़ाने की कोशिश करेगा, या वो इनहिबिट यानी कि वो वहाँ पर रोक भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को बस मैसेज भेज रहे हैं, रुक ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कभी ना कभी वो जो तुम्हारा इंपल्स है वो रुक जाएगा, या फिर वो एक्साइटेड होकर दूसरे न्यूरॉन में चले जाएगा, ठीक है। ओके, इस वीडियो में मैं थक चुका हूँ और तुम शायद नहीं थके होगे क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी हुआ है। अगली वीडियो के अंदर अपना पढ़ने वाले हैं, ये हमारा भेजा है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, कि हमारा भेजा किस तरीके से काम करता है, और तुम्हें पता होना चाहिए सारा काम तो भेजे का ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना गाइज, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।